तो गाइस अभी मैं करनाल हाईवे पर ही हूँ और मेरे साथ है सरस्वती बहन और हमारे बीच है उमंग होटल रेस्टोरेंट एंड बैंकेट। इधर पुल के नीचे रास्ता जा रहा है नमस्ते चौक के लिए और वो शायद रुके हैं क्या शायद। और इधर ये नमस्ते चौक के सामने बिल्कुल ग्राउंड सा लगा हुआ है, आगे शायद एक गाड़ी रुकी हो सकता है हमारे लिए रुकी हो। कंफर्म नहीं है अभी, हम तो अभी चल रहे हैं, पूछते हैं कैसे हैं, मतलब किस लिए रुके हैं, हमारे लिए रुके हैं या नहीं रुके या अपने किसी काम से रुके हैं। वैसे अपने यार क्या ही काम से रुकेंगे पुल के ऊपर, हो सकता है हमारे लिए रुके हो। अभी फटाफट से चलते हैं। तो आज दिन की दूसरी लिफ्ट, पूछते हैं पहले भैया से कैसे रुके हैं। ये गाड़ी भी पानी भर की है, ये गाड़ी भी पानी भर की है, HR67। भैया आप हमारे लिए रुके होगा, हमें भैया पिपली जाना है। कितने किलोमीटर जाओगे आप यहाँ से? 3-4 किलोमीटर। तो हमें छोड़ सकते हो? 3 किलोमीटर पिपली तक का? नहीं भैया थैंक यू। तो ये भैया वैसे तीन तीन हाँ जी, ये भैया वैसे पिपली तक जा, मतलब कि नजदीक तक ही जा रहे थे 2-3 किलोमीटर, पर हमें पिपली तक के लिए चाहिए क्योंकि अगर 2-3 किलोमीटर जाने के बाद फिर पिपली तक के लिए फिर से खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से पिपली, 30-35 किलोमीटर है, तो पिपली तक के लिए वेट करते हैं हम लिफ्ट के लिए। मेरे पीछे नमस्ते चौक है, ये साइन बना हुआ नमस्ते चौक का, और पीछे ट्रक आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, और ये सामने शायद ग्राउंड सा है, कोई पता नहीं कौन सा ग्राउंड है। अगर आप करनाल से देख रहे हो तो बताओ मुझे इस ग्राउंड का नाम क्या है, बाल थोड़े बिगड़ गए आपको पता, ये बिगड़ जाते हैं। और आप मेरी लाइव अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ओ बाप रे कैसे हवा आई थी यार, ओ माई गॉड कैसे हिल रहा है यार पुल, थोड़ी आगे चलते यार पुल ज़्यादा हिल रहा है, मुझे डर लगता है। अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है, बल्कि मेरी पहली ट्रिप है, ये ना हो पहली ट्रिप आखिरी हो जाए, तो इसलिए इससे पहले चलते हैं आगे। हाँ मैं आपको बता रहा था, मेरी लाइव अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा टूरिस्टिक इंडियन, ये देख लो यार मैं आपको दिखा देता हूँ, टूरिस्टिक इंडियन मेरे चैनल का नाम है और मेरे इंस्टाग्राम का नाम भी टूरिस्टिक इंडियन है। आप मुझे लाइव अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मुझे होस्ट भी कर सकते हो, आप मुझे अपने घर पे बुला सकते हो। तो आगे शायद एक लिफ्ट मिली है, मतलब कि पूछ लेते हैं भैया से, एक भैया रुके हैं ऑटो वाले, तो पूछ लेते हैं कैसे रुके हैं। कहाँ तक जाएंगे? धन्यवाद भैया। भैया अभी थोड़ी दूर ही जा रहे थे और हमें पिपली तक के लिए लिफ्ट चाहिए, तो हम हाँ जी कितना प्यारा लग रहा है, हाँ वो ट्रक जा रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। और अभी फिर से हम नमस्ते चौक के सामने ही खड़े हैं और वेट कर रहे हैं लिफ्ट के लिए, लगभग 15 मिनट से वेट कर रहे हैं हम, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो भैया हमें छोड़ रहे पिपली तक, भाई को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पर भाई कह रहे कोई बात नहीं आ जाओ आप। ये ऐसे लग रहा है हम लोकल ट्रेन में लोकल ट्रेन में नहीं, 4-5 लोग एक साथ में बैठ जाते। आगे
चलो देख चलो यार, बैठ गया हूँ मैं, बैठ गए। देखो ये देखो, आपका नाम बताओ। गुरमीत सिंह नाम है इनका। आपका नाम? रवि कुमार। इन्होंने तो पूरा बंदर जैसा बैठ गए मेरे पीछे, देखो बेचारे मेरे लिए कष्ट कर रहे हैं। जतिन भाई कंटिन्यू करो अपना ब्लॉग। देख लिया यार, भैया ने हमें लिफ्ट दे दी है और भैया हमें कुरुक्षेत्र तक छोड़ देंगे, पिपली तक। और ये हमारा बोर्ड है, इसी वजह से भैया ने हमें लिफ्ट दी है, थैंक यू बोर्ड को भी। और ये हम चल पड़े हैं, अभी हम मेरठ चौक के पास हैं, करनाल में। और मेरठ चौक यहाँ से एक सड़क निकलती है मेरठ के लिए। अच्छा। जो करनाल वाले लोगों को हरिद्वार वगैरह जाना रहता है। हाँ। तो इसी साइड से जाते हैं हरिद्वार। हाँ। हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून। हाँ। इसी रोड से निकलते हैं करनाल वाले। हाँ जी। और आगे से एक सड़क जा रही है मेरठ के लिए, उसको मेरठ चौक बोलते हैं। और यहाँ मेरठ चौक पहुँच चुका हूँ मैं, देख लिया यार इस साइड में, ये शायद डंपिंग एरिया करनाल का। यहाँ कुछ कूड़े वाली गाड़ियाँ खड़ी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार। करनाल वालों को कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है करनाल। तो चलते हैं अब, देख लो यार, देख लो यार, त्रावड़ी पहुँच चुके हैं हम। और यहाँ से नीचे है रास्ता त्रावड़ी के लिए निकलने के लिए। और अभी बहुत ही जल्द कुरुक्षेत्र पहुँचने वाले हैं, वो एक भैया है हमारी वेट कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में। एक जानकार है हमारे कुरुक्षेत्र में, जिन्होंने मुझे ऑनलाइन कांटेक्ट करा था उनके यहाँ रुकने के लिए। रुकने का तो वैसे होगा नहीं, बट हम ऐसे मिलके बात कर लेंगे और मैं अपनी यात्रा के बारे में थोड़ी बहुत चीजें उनको बताऊंगी और आगे निकल जाऊंगी। बाय बाय। तो अभी कुरुक्षेत्र पहुँचने वाले हैं, वैसे त्रावड़ी पहुँच चुके हम, देख लियो यार ऐसा कुछ है त्रावड़ी। उसके बाद नीलोखेड़ी भी आने वाला है। त्रावड़ी वालों एक बार यार कमेंट करके बताओ किस चीज के लिए मशहूर है त्रावड़ी। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है वो राइस के लिए फेमस है, यहाँ पे राइस मिल्स बहुत ज्यादा हैं। पर मैं ठीक हुई या नहीं एक बार कमेंट करके बताओ, और आप एक बार कमेंट करके बताओ किस चीज के लिए फेमस है। देख लो यार ऐसा कुछ माहौल है। और अभी हम कुरुक्षेत्र एंटर हुए हैं, देख लो यार। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर, ये हमारा बोर्ड। ये लो भाई अपना बैग ले लो, ये आपका बैग ले लो, ले लो अंदर ले लो। आप बैग दे दोगे मेरे नीचे उतर के? देखो भाई क्या क्या चीजें रखी है यार इन्होंने, मिक्सर वगैरह सब रखा है। देखो दाल ऑयल सब रखा है। देख लो यार यहाँ पे तेल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, और कटोरी गैस। ये भैया हमारे यहाँ तो वैसे सरसों का तेल नहीं खाते, हम सिंग तेल खाते, बट ये सरसों का तेल खाते हैं और इसके लिए इतना तंदुरुस्त है। मुझे देखो बोलू बोलू मैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अपने बच्चों को मेरा वीडियोस दिखाना, मेरा फोन नहीं है ना वहाँ पे। थैंक यू भैया, धन्यवाद बहुत बहुत। और ये भैया ने हमें छोड़ दिया यहाँ पे कुरुक्षेत्र, और अभी महेश भाई आ रहे हैं हमसे मिलने से। हाय हेलो करेंगे और फिर आगे चलेंगे। देख लो हम यहाँ पे खड़े हैं,
ये कुरुक्षेत्र जहाँ पे बसेज रुकती हैं वहाँ पर है। देख लो ऐसा कुछ माहौल आ ही देगा। ये हमारा बैग है, एक बैग मेरा पीछे है जिसमें कैंपिंग टेंट है और स्लीपिंग बैग है और बोर्ड है मेरा। देख लो यार, मतलब कि महेश भाई आ चुके हैं। ये एक घंटा कुछ आता हूँ, ये बाइक पे है महेश भाई और अब वो कह रहे हैं कि भी अभी कुछ पास में चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और फिर कुछ मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद, थोड़े एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बाद चलते हैं अपना कि आगे निकलते हैं सरंद के लिए। पहले कुछ खा पी लेते हैं भाई, कह रहे कुछ खा पी लो, आप काफ़ी दूर से आए हो। बाकी काफ़ी दूर तो नहीं, हम अपना पानीपत से आए हैं और चलते कुछ खा पी लेते हैं।